सभी छठ व्रतधारियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। इस छठ माह पर आप सबके व्यक्तिगत पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में सारी खुशियां लेकर के यह छठ माह पर हम सब लोग प्रत्येक वर्ष भिलाई से छत्तीसगढ़ देश के कोने कोने में जहाँ उत्तर भारतीय लोग रहते हैं यहाँ तक थोड़ी देर के लिए ऑर्केस्ट्रा है दुनिया में भी सारे जगह यह छठ महापर्व मनाया जाता है और उसमें सब लोग बड़े विधि विधान से सहभागी होते हैं। पहले भिलाई में एक खास वर्ग के लोग ही मनाते थे लेकिन अपनी सहभागिता देता है। डूबते हुए सूरज की आराधना करते हैं। दुनिया में ये मान्यता है कि उगते सूरज के सब लोग सलाम करते लेकिन हम डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, रात भर उनकी पूजा करके इस विश्वास के साथ कि ये जो अभी आप सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहे हैं वह सूर्य देव का कल फिर से पुनर आगमन होगा, फिर से सूर्य देव उगेंगे और दुनिया को अपने उन ऊषा की किरणों से भास्कर भगवान फिर से आलोकित करेंगे, जो चारों तरफ अंधेरा है उस अंधेरे को दूर करेंगे। बताया जा रहा है आप सब जितने छठ व्रतधारी हैं उनके सहयोगी हैं साथ में आए हुए सभी लोगों को इस छठ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें यही शुभेच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। भाभी ऐसा साइड में Yeah.
एशियन न्यूज चैनल से और सभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पर मौजूद हैं और सभी का हम छठ परिवार की तरफ से, छठ पूजा समिति की तरफ से, शाहिद आरिफ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। हैप्पी न्यूज पहट, केपी न्यूज पहट हमारे बीच है, एशियन न्यूज है और साथ ही का मार्गदर्शन जो आज यहाँ तक के हम सभी चची माई के इस प्रांगण में पहुंच चुके हैं, तो उनका हम करबद्ध स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे भी और सारी टीम, प्लीज वेलकम। हितवाद न्यूज चैनल भी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वेलकम। चलिए भोले बाबा का एक प्यारा सा भजन जो मेरी समिति के लोगों की फरमाइश है कुछ और एक बार जोरदार। Let's go.
सभी के दर्शन के लिए आने में। बुच्ची भैया की तरफ से गन्ना हमारे मंच के बाईं ओर रखा हुआ है, बिना किसी शुल्क के फ्री आप सभी उसे ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। ये सेक्टर 2 का पर्व बहुत धूमधाम से बहुत उत्साह के साथ श्री निवास राव जी, टिक्कू जी और हमारी लक्ष्मी बहन और हमारी और दूसरे साथी लोगों के द्वारा, इस समिति के द्वारा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सारी व्यवस्था इनके द्वारा हर वर्ष की जाती है। मैं इन सबको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आज पूरे शहर के अंदर सेक्टर 2 का छठ पर्व सबसे सुंदर, सबसे अच्छा और सबको भाने वाला पर्व है। सारे लोग यहाँ पर छठ पर्व मनाने आते हैं, कुछ लोग यहाँ पूजा करते हैं, कुछ लोग यहाँ की छवि को देखने आते हैं, यहाँ की छठा जो दिखती है सुंदर उसको देखने आते हैं केवल कि आज सेक्टर 2 जाएंगे पूजा के दिन, और वहाँ पर जो सुंदरता रहती है, जो सुंदरता का अवलोकन करे और छठ मैया अपना प्रणाम करें। आज सभी जो सभी छठ व्रती हमारी महिलाएँ हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ और छठ भैया से प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में सुख समृद्धि शांति और खुशी आए, और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय, आपके हम आशीर्वचन से सराबोर हुए। न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। Yeah.
रिहर्सल होने वाला है, लालिमा दिखाई दे रही है। 10 मिनट के अंदर 10 से 15 मिनट में सूर्य भगवान का उदय होगा और यह छठ पर्व जो विगत 4 दिन से प्रारंभ हुआ है, नहाय खाल से लेकर के खरना, फिर उसके बाद कल शाम और आज सवेरे तक ये पूरे जितने भी व्रतधारी हैं जो सब छठ माता उन सब की अपेक्षाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें और सब लोगों ने और विशेषतर हमारे यहाँ की समिति के जय श्रीनिवास रिंकू साहू हमारे बुच्ची भाई और सब इनकी टीम और यहाँ जो इतना सुंदर भोजपुरी में कल से अब तक छठी मैया के गीत गा रहे हैं सब लोग, इतना शानदार तरीके से आप सब के बीच में भक्ति का माहौल बनाए हुए हैं। ये सब हमारे पुराने सब भिलाई के हैं, उठको के सब गाने वाले लोग हैं और अच्छा गाते हैं, हर साल लगभग ही आकर के आप सबके बीच में छठी मैया के गीत से आप सबका पूरा भक्तिमय वातावरण को बनाते हैं। इन सबको भी छठी मैया आशीष दे कि ये हमेशा ऐसे ही इस ऐसे तालाबों में जाकर अपने कला के माध्यम से अपने कला का प्रदर्शन करते रहे और छठी मैया का गीत गाए। आप सबको फिर से एक बार इस छठ महापर्व की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
आप सभी श्रद्धालु उपासक सभी हमारे भाई बहनों पत्रकार साथीगण सभी का मैं तो बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। छठी माँ हम सब के जीवन में कैसा पहलू लाए और सबको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि हमारे पूरे प्रदेश देश हमारे आसपास के सभी लोग खुशहाल रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चे खुशहाल रहे, इसी भावना के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई जय जोहार। धन्यवाद। हेलो 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 भगवान की हमारे बीच में।